गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अजिम आप लोगों को आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का, आज से मैं नया सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को, उसका पहला टॉपिक जो है वहाँ करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। इससे पहले थर्ड सेमेस्टर का हम लोगों ने जो वीडियोज़ देखे थे उसमें रिविज़न के बारे में आप लोगों को बताया था। उसमें कुछ एक ही टॉपिक पर मैंने आप लोगों को बनाया था, अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैं आप लोगों का नया, अभी आपके अब तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं, आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट और भी टीचरों ने कर दिया है, मैंने भी अपना नया आज से मैं आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर के वीडियो जो मैथ्स के आपके टॉपिक हैं उनके रोज़ आपको मिल जाया करेंगे आपकी यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमारा जो आज का जो टॉपिक है करणी, करणीगत राशि, करणीगत चिन्ह तथा करणी का घातांक, ये क्या होता है करणी, इससे पहले हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में घातांक पढ़ा था। अब उसी के आगे फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग देखेंगे यहाँ करणी क्या होता है। करणी सरल भाषा में कहा जी कह सकते हैं कोई भी राशि या कोई भी संख्या अंडर रूट, यानी कोई चिन्ह के साथ अगर ऐसा अगर हमने बना दिया अंडर रूट, मान लीजिए 25 ये संख्या दी है, तो ये क्या है, ये करणी की करणी घातांक, करणी के रूप में हमारी ये क्या है, एक संख्या है, और इसके अंदर लिखी गई 25 या जो हमारी संख्या ली गई थी वो करणीगत राशि हो जाएगी। और जिसके रूप में लगा हुआ है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारी जो हमारा अंडर रूट लगा है इसमें कोई भी घात नहीं है, जैसे कि हमने और भी हम लोग देखते थे वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचममूल, इसमें हमारा कोई नहीं होता है, तो हमें पता होता है क्या होता है, दो घात होती है तो वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, ये वर्गमूल का। चलिए उससे पहले हम जान लें करणी की किताबी भाषा या जो परिभाषा क्या होती है करणी, हम किसको बोलते हैं। ऐसी संख्याएं, आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचममूल, डैश 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 एनवा मूल तक अगर ये चलती चली जाए, प्राकृतिक संख्याएं या परमेय संख्याएं नहीं होती हैं। विशेष बात याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं या परमेय संख्याएं नहीं होती हैं, वे सभी क्या बन कहलाती हैं, हमारी करणी संख्याएं या करणी कहलाई जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, वर्गमूल, सॉरी हमने लिखा है वर्गमूल 64, घनमूल 125, चतुर्थमूल हमने 16। तो इनका हम लोगों ने से एग्जाम्पल लिए, मतलब ये हमारी क्या है, हमारी क्या कहलाएंगे, करणी से कहलाएंगे। करणी कैसे, अब हमने जैसे कि वर्गमूल 64 लिखा था, वर्गमूल 64 में क्या था कि भाई 64 जो संख्या थी वो क्या है, करणीगत राशि, जो हमें करणीगत राशि के बारे में जानना था, करणीगत राशि क्या होती, यानी जो अंडर रूट के अंदर संख्या लिखी वो क्या कहला दी जाएगी, करणीगत राशि। अब अंडर रूट जिसका है अगर हमारा वर्ग का है तो वो क्या हो जाएगी, करणी की घातांक, यानी यहाँ पे दो है तो ये दो क्या हो जाएगी, हमारी करणी की घातांक हो जाएगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे करणी की यहाँ पे घात कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगी, 125 की करणी की घातांक हो जाएगी, और 125 क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे करणीगत राशि हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा चतुर्थमूल में भी देख लेंगे, 16 जो लिखा हुआ है, मतलब 16 हमारा क्या कहलाएगा, करणीगत राशि कहलाएगा, और 4 यानी जो 4 चतुर्थमूल के अंतर्गत लिखा हुआ है वो हमारा कहलाएगा करणी का घातांक कहला जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हमने करणी के बारे में जान लिया, तो अब के देखते हैं करणी के नियम क्या होते हैं। नियमों में जैसे कि हमारे 4 से 5 प्रकार के इसके नियम हैं। पहला नियम, जैसा कि मैंने आपको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ए उसकी जो हमारी घात कितनी, एन की पूरे की घात अगर एन अगर इस रूप में दी जाती है उसका मान क्या हो जाता है, ए 1/n बराबर की घात एन, यानी एन से एन हमारी कट जाएंगे और वो क्या बचेगा, सिर्फ हमारा ए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको अगर देखें, मान लीजिए किसी की भी संख्या, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने ले लिया
घनमूल, घनमूल 8 की पूरे की घात 3, इसको अगर हल करना होगा तो क्या हल करेंगे, तो हम कैसे हल करेंगे इसको? बिल्कुल सरल तरीके से जो हमारा नियम कहता है, यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल हो, घनमूल हो, चतुर्थमूल हो, पंचममूल हो, वो क्या आ जाता है, उस संख्या का बटे में लिख दिया जाता है। जैसे कि यहां पे क्या है, घनमूल है, तो घनमूल में हम क्या लिखेंगे, 8 की घात 1/3 पूरे की घात 3। हमने कहा अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा, 8 की घात 1/3 गुणा 3, इस 3 से ये 3 कट जाएगा और क्या लिख जाए, बन जाएगा हमारा 8। करनी का दूसरा नियम, करनी का दूसरा नियम क्या होता है, ये भी बहुत आसान है। करनी का दूसरा नियम, अंडर रूट ए भी लिखा हुआ है घात एन घात के साथ, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी तोड़कर अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे ए और बी, यानी ए और बी अलग अलग संख्याएं हैं, या एक ही संख्या है उसको टुकड़े करके भी हम अलग अलग के रूप में, उस करनी के रूप में या उस करनी के घात के रूप में अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि हमने अंडर रूट ए बी की घात एन दी गई, हमने इसको अलग अलग करके लिखा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, और दोनों में आप घात देखिए एन समान ही रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया अंडर रूट 35, अंडर रूट 35 को, यानी इसकी घात कितनी है हमारी, जो हमारी घात कही जाए, इसकी घात कहे वर्गमूल है, तो वर्गमूल में क्या रहेगा हमारी घात 2, 2 घात रहेगी इसके। हम 35 को अलग अलग टुकड़े में लिख सकते हैं, 7 × 35 यानी 7 × 5, तो कितना होता है 35 होता है, तो 7 को अलग लिख लिया, 5 को अलग कर देंगे उस वर्गमूल के सहित, क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा नियम हो जाएगा। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम हमारा अंडर रूट ए अपॉन बी अंडर रूट की घात एन, यानी अब हमने देखा कोई भी ऐसी संख्या थी जो एक हमारे भिन्न के रूप में, या हम लोग कहते हैं भिन्न के रूप में, संख्या के रूप में है ए और बी की, अगर उस पे भी उसका भी अगर कोई करनी के घात करनी के रूप में दिया गया है, तो इसको हम अलग कैसे लिख सकते हैं, या इसको किस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं। अंडर रूट ए की घात एन बटे अंडर रूट बी की घात एन, इस रूप में हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर से हमने अगर एग्जाम्पल भी है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या कर ले, जैसे कि हमने कोई एक संख्या ले ली चार बटे छ, एग्जाम्पल में लिया है, अपने मन से कोई सी भी संख्या ले, चार बटे छ भी ले सकते हैं, या हम और भी कोई ले सकते हैं, चार की जगह हम 5/6 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम अगर अलग अलग रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 6, घात देखिए दोनों में 2 है, तो 2 घात ले ली, 3 होती तो तीनों में अलग अलग 3 ले लेते। इस प्रकार से हम इसका तीसरा नियम भी जान लेते हैं। आते हैं इसी के चौथे नियम पर, चौथा नियम क्या होता है, नियम भी साथ ही साथ देखते जाइएगा आप लोग। चौथा नियम क्या होता है, चौथे नियम में हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए अगर कोई संख्या के अंडर रूट के ऊपर कोई घात के ऊपर अगर कोई घात दी गई है, जैसे कि इससे पहले वाले में हमने जो लिखा था वो क्या लिखा था, एम, पहली वाली में हम लोगों ने यही लिखा हुआ था, तो हम इसको क्या मान लेते थे कि भाई वहां क्या थी हमारी, समान घाते थी, यहाँ पे अलग अलग घाते हैं, ये अंडर एन की घात में है और ये एम की घात में है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। मालूम हमें पता था कि जो भी हमारी संख्या होती थी अगर उसका जो भी घात सहित है वो क्या हो जाता है, 1/ के रूप में आ जाता है, तो ए की घात 1/n पूरे की घात
एन। अब ये आपस में जब हम ब्रैकेट हटा देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, ए की घात एम अपॉन एन के रूप में हो जाएंगे।